नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा। शनि जब अपना क्रोध दिखाते हैं तो जीवन में कष्ट बढ़ जाते हैं, लेकिन शनि के कष्टों से बचने का एक कल्याणकारी उपाय है भगवान श्री कृष्ण। 16 कलाओं के मालिक श्री कृष्ण ही तो हैं, और आपको शायद ये पता ही न हो कि भगवान श्री कृष्ण की उपासना शनि पीड़ा से भी मुक्ति दिला सकती है। ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण की उपासना से शनि के तमाम कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। कहते हैं श्री कृष्ण की उपासना करने वाले पर शनि कभी क्रोधित नहीं होते। आज हम आपको श्री कृष्ण और शनि के अद्भुत संबंधों के बारे में बताएंगे और जानेंगे श्री कृष्ण की कृपा से शनि के कष्टों से कैसे मिलता है छुटकारा। कृष्ण भक्ति से मिलेगा शनि का शुभाशीष। शांत होंगे शनि, श्री कृष्ण देंगे आशीष। कृष्ण कृपा से शनि हो जाएंगे शांत। कृष्ण कृपा से नहीं होता शनि का दुष्प्रभाव। ग्रह, नक्षत्र, देवी देवता, मानव, असुर, शुभ अशुभ, सब कृष्ण के ही अधीन है। इसीलिए शनि भी कृष्ण की शक्ति के ही अधीन है। बहुत कम लोगों को पता है कि जो भगवान शनि हैं, वो कृष्ण के परम भक्त हैं, और भगवान श्री कृष्ण की कृपा भी शनि देव के ऊपर उसी प्रकार है। ऐसा कथा आती है कि जब भगवान ने ये जब अवतार लिया कृष्ण रूप में, सभी देवी देवता उनके दर्शन करने गए, परंतु माता ने शनि देव को उनके दर्शन करने नहीं दिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनको आत्म चेतना में दर्शन देकर कहे कि आप गोवर्धन की परिक्रमा में जो कोकिल वन है वहां मेरा इंतजार करें, वहां मैं आपको दर्शन दूंगा। भगवान ने उनको वहां दर्शन दिए और ये आशीर्वाद भी दिया था कि जो यहाँ कोकिल वन में आपके इस मंदिर में आके दर्शन करेगा, इस पेड़ के नीचे मेरे महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करेगा, मैं उसको शनिकृत पीड़ा से मुक्ति दूंगा और मेरी भक्ति उसको स्वयं ही प्राप्त हो जाएगी। ये बात सभी जानते हैं कि शनिदेव न्यायाधीश है। शिव जी ने शनि को दंड देने का अधिकार भी दिया है, इसीलिए शनि न्याय भी करते हैं और दंड भी देते हैं। कर्म करवाना और कर्म का फल देना शनि के ही हाथ में है। शनि देव के न्याय का है अलग तरीका। पापियों को दंड देते हैं और सज्जनों को बनाते हैं यशवान। तो शनि के कष्टों से बचना है या फिर राहत पानी है तो श्री कृष्ण की भक्ति में रम जाइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र की एक माला भी कर ले तो शनि देव की कृपा उसको मिलने लगती है, और भगवान कृष्ण की कृपा और भक्ति भी उसको प्राप्त होती है, और उनकी कृपा से शनिकृत पीड़ा शांत हो जाती है। किसी कारणवश अगर वृंदावन में ना जा पाए, परिक्रमा में ना जा पाए, तो शनिवार के दिन किसी भी पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर कुशा के आसन पर रुद्राक्ष की माला से अगर इसकी एक माला की जाए तो शनिदेव उस व्यक्ति से प्रसन्न होने शुरू हो जाते हैं और उस व्यक्ति के ऊपर शनिकृत पीड़ा शांत हो जाती है। सबसे पहले समझिए शनि का कृष्ण से ऐसा क्या संबंध है जो आपको कृष्ण भक्ति से शनि कृपा दिलवा सकता है। शनि देव श्री कृष्ण के परम भक्त हैं। न्याय, ईमानदारी और अनुशासन शनि में कृष्ण कृपा से ही आता है। कृष्ण के ध्यान में डूबे होने के कारण ही उन्हें अपनी पत्नी से श्राप भी मिला था। शनि के अंदर बहुत सारे गुण कृष्ण की तरह हैं, सिवाय मधुरता के। जो लोग भी श्री कृष्ण के भक्त होते हैं, शनि उन्हें छू भी नहीं सकते। शनि देव श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करने वालों यानी श्री कृष्ण के भक्तों को शनि भी परेशान नहीं करते। अब अगर आपको स्वयं कृष्ण भक्ति करके शनि की कृपा पानी है तो नियमित रूप से करनी होगी कृष्ण पूजा, जिससे ग्रहों के न्यायाधीश आप पर करेंगे कृपा।
श्री कृष्ण को गुरु रूप में स्थापित करें। दोनों वेला उन्हें पीले फूल और तुलसी दल चढ़ाएं। उन्हें और स्वयं को चंदन का तिलक जरूर लगाएं। दोनों हाथ उठाकर हरि कीर्तन करें, चाहे तो कृष्ण कृष्ण के नाम का जाप करें, भोजन पूर्ण सात्विक करें। ज्योतिष के विशेषज्ञों के अनुसार व्यक्ति के जीवन में किए जाने वाले कर्म और उसके फल शनि से संबंध रखते हैं। अगर आपके कर्म अच्छे हैं, तो शनि देव कभी आपको सजा नहीं देंगे, लेकिन कई बार लोगों को शनि अपने न्याय के तहत साढ़े साती या ढैया से सजा देते हैं। यदि किसी व्यक्ति का शनि खराब चल रहा हो या शनि अशुभ प्रभाव दे रहा हो, तो उस व्यक्ति को सबसे पहले शनि देता है रोग, शनि देता है आलस्य, शनि देता है दरिद्रता, शनि देता है सम्मानहीनता, ये चीजें उसमें उत्पन्न होनी शुरू हो जाती हैं। अगर आपके जीवन में शनि संबंधी कष्ट है, तो भी माधव की भक्ति देगी आपको शनि के कष्टों से मुक्ति। अब गौर से देखिए विशेष उपाय। श्री कृष्ण के संपूर्ण चित्र या मूर्ति की स्थापना करें, रोज चंदन पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें, कृष्ण मंत्र का दोनों वेला कम से कम 108 बार जाप करें, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। शनि के गुस्से को शांत करना हो या फिर उनके द्वारा दिए जा रहे कष्टों को कम करना हो, तो श्री कृष्ण की आराधना बहुत कारगर साबित होती है। आप कृष्ण भक्ति से शनि को भी कर सकते हैं प्रसन्न, लेकिन शनि की पीड़ा कम करने के कुछ और उपाय भी होते हैं। आगे हम आपको उन उपायों के बारे में बताएंगे। शनिदेव न्यायाधीश हैं, उनकी कृपा पाने के लिए लोग तरह तरह के पूजा पाठ करते हैं, उपाय करते हैं, लेकिन श्री कृष्ण की कृपा से हर संकट टल जाता है। फिर चाहे शनि के अशुभ प्रभाव हो या ढैया और साढ़े साथी, सबसे मिलने वाला कष्ट दूर हो जाता है। लेकिन शनि के शुभ अशुभ प्रभावों को आप पहचानेंगे कैसे, चलिए अब ये भी जान लेते हैं। शनि को कर्म फल दाता कहा जाता है। आपके जीवन में अलग अलग रूप में शामिल होकर शनि शुभ या अशुभ फल देते हैं। शनि कुछ चीजों में परेशानी का कारण बने रहते हैं, वो है रोजगार और सेहत। ये दोनों मामले शनिदेव ही नियंत्रित करते हैं। अगर शनि इन मामलों में परेशानी खड़ी कर रहे हो, तो श्री कृष्ण इन मुश्किलों में आपकी मदद कर सकते हैं। सबसे पहले अपना आचरण शुद्ध करें, भोजन शुद्ध करें, उसके पश्चात सुबह उठ के तपस्या साधना आवश्यक है। सुबह जल्दी उठें और भगवान कृष्ण की आराधना करें। साथ में दशरथ कृत एक स्तोत्र है शनि देव का, वो पढ़ें तो शनि पीड़ा नहीं देता। रोजगार सेहत की समस्या हो तो गाय के साथ खड़े श्री कृष्ण के चित्र की स्थापना करें। रोज सुबह उन्हें तुलसी दल डालकर पंचामृत अर्पित करें। इसके बाद श्री कृष्णम शरणम मम का जाप करें, पंचामृत का प्रसाद ग्रहण करें। ये प्रयोग लगातार 27 दिनों तक करें। श्री कृष्ण की आराधना से शनि से मिल रही पीड़ा खत्म हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि शनि देव ने जो पीड़ा दी उसे सिर्फ श्री कृष्ण ही नहीं हरते, बल्कि शनि देव भी प्रसन्न हो जाने पर पीड़ाओं से मुक्त कर देते हैं। कुछ विशेष तौर पर ध्यान रखें कि शनिवार के दिन
काले रंग के वस्त्र धारण ना करें। ये धारणा चल पड़ी है, शनिवार है तो शनिकृत पीड़ा शांत हो जाएगी। शनि भारी ग्रह है, वैसे ही अगर आते हैं तो अपना प्रभाव व्यक्ति के मन पर डालते हैं, मन का व्यक्ति नकारात्मकता की ओर चला जाता है। ऐसे में काले वस्त्र धारण करेंगे आप तो निश्चित आपको शनि देव पीड़ा और अधिक देंगे। 7:30 में पीपल में जल देना, दीपक संध्या के समय जलाना, गरीब लोगों को भोजन कराना शनिवार के दिन संध्या के समय, और यदि कोई अंधा भिखारी मिल जाए तो उसकी मदद करना, निश्चित शनि आपके ऊपर कृपा करेंगे, शनि की ढैया या 7:30 की पीड़ा आपसे दूर हो जाएगी। शनि बरसाते हैं कृपा जब व्यक्ति सत्य बोलता है और अनुशासित रहता है, जब व्यक्ति कमजोर और निर्बल लोगों की खूब सेवा करता है, जब व्यक्ति अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करता है, जब व्यक्ति फलदार और लंबी अवधि तक रहने वाला पेड़ लगाता है, जब व्यक्ति भगवान शिव की या कृष्ण की नियम पूर्वक उपासना करता है, बिना कुंडली और हाथ की रेखाओं को देखे बिना भी आप जान सकते हैं आपके जीवन में शनि का प्रभाव कैसा है। धर्म के जानकार और ज्योतिष के विशेषज्ञों के अनुसार कुछ ऐसे संकेत होते हैं जिनसे आप जान सकते हैं न्यायाधीश शनि का शुभ अशुभ प्रभाव। शनि की अशुभता जब चल रही हो तब यात्राएं करने से बचें, पर धार्मिक यात्राएं कर सकते हैं। विशेष तौर पे लोहे की वस्तुएं खरीदने से बचें। धार्मिक यात्राओं करने में भगवान कृष्ण या नारायण के दर्शन करने से आपको शनिकृत पीड़ा शांत होगी। व्यक्ति लंबा और दुबला पतला होता है, व्यक्ति के बाल घने होते हैं, व्यक्ति अनुशासित और कर्मठ होता है, परिश्रम से आगे बढ़ जाता है, आमतौर पर जीवन के मध्य भाग में आध्यात्मिक भी हो जाता है, कानून परिवहन या अध्यात्म से संबंध रखता है। तो संकेतों को आपने समझ लिया, आप समझिए शनि अगर अशुभ है तो कैसे आप कर सकते हैं सरल उपाय के जरिए ग्रहों के न्यायाधीश को प्रसन्न। अगर अशुभ शनि आपका चल रहा है, शनि अच्छा फल नहीं दे रहा, पीड़ा दे रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को विशेष तौर पर कृष्ण भक्ति अनिवार्य हो जाती है। आचार की शुद्धता दूसरी अनिवार्यता उस व्यक्ति के लिए कहते हैं। शनिवार के दिन पानी वाला नारियल होता है, उसमें सरसों के तेल तिलक करके काले तिल लगाकर और अपने ऊपर से उतार के जल प्रवाहित करें तो शनि की पीड़ा आपको तुरंत शांत होने लगती है। एक विशेष अनुभूत प्रयोग है, जिन लोगों को शनि बहुत ज्यादा परेशान कर रहा हो तो वो किसी गरीब व्यक्ति की मदद करें, उस समय उसको भोजन की व्यवस्था करें, उसके घर में अगर अन्न नहीं है तो कुछ राशन उसके अपने अन्न अपने हाथ से उसको शनिवार के दिन दान करें, जिसमें नमक और घी जरूर हो, सरसों का तेल जरूर हो, आपको शनि तुरंत से पहले शुभ फल देना शुरू कर देंगे। आचरण और आहार व्यवहार शुद्ध रखना चाहिए, स्वच्छता और धर्म का ठीक तरीके से पालन करें, भगवान शिव की या भगवान कृष्ण की पूजा करें, देर तक सोने से और देर रात तक जागने से बचें, हल्के नीले रंग के वस्त्रों का प्रयोग करें, नियमित रूप से शनि मंत्रों का जाप करें। मंत्र होगा ओम प्रांग प्रींग प्रोंग सह शनिश्चराय नमः। शनि के इन उपायों के साथ आप ये भी समझिए कि शनि मित्र हैं, शत्रु नहीं। शनि से भय नहीं बल्कि सूर्य पुत्र को आप अपने आचरण से सदैव के लिए मित्र बना सकते हैं। आप बने रहिए, आगे हम आपको बताएंगे शनि पीड़ा कैसे दूर करेंगे संकट मोचन हनुमान। जी अपने भक्तों को भय मुक्त करते ही हैं, साथ ही शनि दोष से आ रही तमाम बाधाओं से भी मुक्त कर देते हैं। चलिए आपको बताते हैं वो विधि जिससे अगर जीवन में शनि से जुड़ी बाधाएं हैं तो पवन पुत्र की शक्ति से दूर हो सकती हैं। हनुमान जी शिव का ही एक रूप है, इसलिए शनि देव उन्हें भी अपना गुरु मानते हैं।
शनि देव के पिता सूर्य देव ने ही हनुमान जी को दी थी संपूर्ण शक्तियाँ। शनि देव को क्रूर देवता माना गया है। हनुमान जी दयालु और संकटहारी है। शनि का जन्म अग्नि से हुआ है और पवन पुत्र है महाबली हनुमान। दुख चाहे जैसा भी हो, मुश्किलें कितनी भी बड़ी हो, मारुति नंदन सुनेंगे आपकी पुकार। आप शनि का क्रूर प्रभाव भी आपको परेशान नहीं कर पाएगा, क्योंकि महाबली हनुमान की पूजा आराधना से मिलेगी शनि दोष से मुक्ति। विशेष अनुभूत प्रयोग एक और है, हनुमान जी की सेवा करने से भी। मंगलवार शनिवार हनुमान जी के मंदिर में चमेली आंवले के तेल का दीपक जला के और बजरंग बाण या हनुमान चालीसा का पाठ करने से भी शनिकृत पीड़ा शांत हो जाएगी और आपको कष्ट नहीं देगी। मेरे प्रभु, हनुमान जी की प्रतिमा पर लाल वस्त्र और सिंदूर चढ़ाएं। सिंदूर चढ़ाने के बाद हनुमान जी की पूजा करें। नीले रंग के आसन पर उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठे ओम हंग हनुमन्ते नमः का जाप करें। हनुमान जी की आरती करें, प्रसाद चढ़ाएं, हनुमान मंदिर में जाकर हलवा पूरी का प्रसाद बांटें। तो इस तरह आप संकट मोचन हनुमान की पूजा करें तो शनि के दोष से छुटकारा मिल सकता है। शनि देव के दंड से हो जाएंगे आप मुक्त। बजरंग बली की कृपा से सारे अमंगल दूर होंगे और जीवन मंगलमय हो जाएगा। तो प्रभु की कृपा यूं ही आप पर बनी रहे, इसी कामना के साथ फिलहाल हमें इजाजत दीजिएगा, लेकिन देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा जीएनटी।